हम देखेंगे स्कैलियो 5 लीटर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का अनबॉक्सिंग एंड वर्किंग। तो बॉक्स जैसे ही खोलते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले एक्सेसरीज बॉक्स आता है। तो एक्सेसरीज बॉक्स में क्या क्या है, सबसे पहले यूजर मैनुअल, इसका एक एक्स्ट्रा हैपा फिल्टर है जो अंदर एक ऑलरेडी लगा हुआ है, अगर वो ख़राब होता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए। इस पॉलीथीन के अंदर इसका एक कैबिनेट फिल्टर है जो कि एक्स्ट्रा हैवी, इसका यूज़ नहीं होना, एक ऑलरेडी मशीन में फिटेड है। तो दिस इज़ दी कैबिनेट फिल्टर जिसको वीकली वंस क्लीन करना। ये इसके अंदर कनेक्टर ट्यूब है जो कि ह्यूमिडिफायर टू बॉटल मशीन जो कनेक्ट होती है उसके लिए कनेक्टेड ट्यूब। उसके अलावा मशीन के अंदर ये पेशेंट का इंटरफेस जो है कैनुला, 7 फीट कैनुला। उन एक्सेसरीज के अलावा मशीन के साथ में ये ह्यूमिडिफायर बॉटल है जो कि साथ में यहीं पे लगी है। सबसे पहले मैं कंट्रोल एंड फंक्शंस आपको बता देता हूँ। ये मशीन का ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ से मशीन ऑन ऑफ होती है। ये इसका फ्लो मीटर है जिसकी एज पर रिक्वायरमेंट 0.5 लीटर to 5 लीटर्स per minute इस मशीन की कैपेसिटी है। तो हाफ से ऊपर रखना है और 5 से कभी ऊपर नहीं करना है। ये सारे इसमें वार्निंग्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो किस टाइप का वो सिंबल आएगा, या फायर के पास इसको नहीं लेके जाना है, स्मोकिंग नहीं करना है इसके साथ, इसको कोई भी ऑयल या ग्रीस की ज़रूरत नहीं होती है। तो बाकी कोई प्रॉब्लम आती तो उसके लिए यूज़र मैनुअल भी साथ में है। ये इसका ऑक्सीजन आउटलेट है, यहाँ पे कैनुला या बॉटल कनेक्ट होगा तो मैं आपको कनेक्ट करके दिखा दूँगा। ये ह्यूमिडिफायर बॉटल हो गया। पेशेंट के जो मेंटेनेंस के पॉइंट्स हैं उसमें खाली एक तो ये कैबिनेट फिल्टर है, यहाँ पे देखिए एक जो एक्स्ट्रा था वो एक ऑलरेडी फिटेड है। तो इसको वीकली वंस क्लीन करना है एक बार, उसके बाद फिर यहीं पर इसको वॉश भी कर सकते हैं, सूखने के बाद दोबारा लगा सकते हैं। इसके अलावा इस साइड में दूसरा जो फाइन फिल्टर हैपा फिल्टर की बात करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो निकल जाता है। तो ये हैपा फिल्टर है, ये जब पूरा ब्लैक हो जाए तो इसको चेंज करना है। पेशेंट टू पेशेंट जब मशीन शिफ्ट होती है एक से दूसरे पेशेंट में, तो ये फिल्टर, कैबिनेट फिल्टर, ह्यूमिडिफायर बॉटल और कैनुला पक्का रिप्लेस करना है, क्योंकि इससे बैक्टीरिया जो है वन टू अदर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो इसको फिट करने के लिए यहाँ पे बिठा के क्लॉक वाइज घुमा देते हैं। तो अभी मशीन को ऑन करने से पहले सबसे ज़रूरी जो 2-3 बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। इस मशीन को कभी भी ऑन करना है तो 0.5 kVA या 1 kVA का स्टेबलाइजर के साथ ही यूज़ करना है मशीन को, क्योंकि पावर फ्लक्चुएशन कोई भी प्रॉब्लम हुई तो एमरजेंसी में भी पेशेंट को हेल्प नहीं हो पाएगी। दूसरा, इसका जो ह्यूमिडिफायर के अंदर जो पानी डालना है वो हमेशा प्योरीफायर वाला पानी डालना है, और हाफ से हमेशा क्वांटिटी जो है नीचे रखनी है। फ्लो मीटर को कभी भी 5 से ऊपर नहीं करना है और हाफ से नीचे कभी नहीं करना है। मशीन का जो प्लेसमेंट है 1 फुट का एरिया चारों तरफ बिल्कुल ओपन होना चाहिए। अभी मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे ये मैंने पानी इसमें डाल रखा है तो हाफ से नीचे है, तो इसमें कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्टर ट्यूब है, ये यहाँ पे लगेगी। फुल टाइट कर दिया, यहाँ पे इसकी जगह बनी है, यहाँ से एक कनेक्टर ट्यूब यहाँ पे फिट हो गई। मशीन से जो ऑक्सीजन आ रही है वो यहाँ से इस बॉटल के थ्रू चली गई। बॉटल के इस एंड पे पेशेंट इंटरफेस जो कैनुला है वो कनेक्ट हो गया। यहाँ पे कैनुला कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी हम मशीन को ऑन कर देते हैं।
न्यू मशीन है तो जीरो आवर्स दिखा रहा है सबसे पहले। ये फ्लो मीटर है अभी, इसको रोटेट करके हम जितना लीटर रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं 2 लीटर्स पे सेट कर रहा हूँ। पेशेंट को कैसे कनेक्ट करना है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये कैनुला है, कैनुला जी नोस्टिल्स होती हैं, इस प्रकार से लगानी है, ऐसा नहीं कि ऐसा उल्टा करके लगाएंगे, तो ये पोजीशन रहेगी कान के पीछे से। यहाँ से टाइट कर दो, मशीन का यूज करने का तरीका।